हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली हिंदी न्यूज़ में। आज हम बात करेंगे नागालैंड के मौन किलिंग घटना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड के मौन जिले में 15 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 14 गांव के आम नागरिक और एक सिपाही को बताया जा रहा है। क्या है दोस्तों जिसे लेकर पूरा नागालैंड बंद है? नागालैंड के मौन जिले में कर्फ्यू भी लग गया है। सोशल मीडिया और नागालैंड में AFSPA को हटाने की मांग हो रही है। जानने के लिए दोस्तों हमारी ये वीडियो को पूरा देखिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है नागालैंड मौन किलिंग घटना। बड़ी खबर में इस पर हम बात करेंगे कि नागालैंड के मौन जिले में ऐसा क्या हुआ। दरअसल इस सब की शुरुआत 4 दिसंबर शनिवार की शाम से शुरू होती है। नागालैंड के मौन जिले में यहाँ पर तिरु और ओटिंग नाम के दो गाँव हैं। इन दो गाँवों के कुछ लोग कोयले के खदानों में काम करने गए थे। अमूमन हर रोज़ की तरह वह सभी लोग कोयले की खदान से काम करके शाम तक अपने घर को वापस लौट आते थे, पर उस दिन कोयले के खदानों से 6 युवक लौटकर वापस नहीं आए। फिर उसके बाद वहां के लोग और उन युवकों के परिजनों ने उन्हें खोजने लगे। तभी उन्होंने देखा कि ओटिंग गांव के रास्ते में एक पिकअप वैन में आग लगी है और 6 युवकों की सभी खून से लथपथ हुई हैं। बस इसी के बाद नागालैंड में हड़कंप मच गया और वहाँ के लोग बेकाबू हो गए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि गाड़ी तिरु और ओटिंग गांव के बीच में थी। तभी उस गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, पर गाड़ी रुकी नहीं। दरअसल उग्रवादी गृहित इलाका है। उग्रवादी हमेशा वहां पैसों को लेकर गांव वालों के साथ ऐसा करते रहते हैं। बस इसी बात को सोचकर वैन के ड्राइवर ने गाड़ी को नहीं रोका और वह गाड़ी को लेकर वहाँ से निकलने लगा। तभी वहाँ चारों तरफ से फायरिंग हुई और गाड़ी में मौजूद 8 लोगों में से 6 की मौत हो गई। 2 लोग अभी भी गाड़ी के अंदर थे। गाड़ी रास्ते में रुकी हुई थी। धीरे धीरे गाड़ी को घेर लिया गया चारों तरफ से और पता चला कि यह थे सेना के 21 पैरा SF के जवान। दरअसल जवानों ने यहाँ एक एम्बुश लगाया था। अब एम्बुश क्या होता है? एम्बुश का मतलब है घात लगाना, मतलब कि छिप कर बोला गया ढाबा, सरप्राइज अटैक। पर बात यह है कि आखिर सेना इन पर ऐसा क्यों करेगी? दरअसल सेना को ऐसी खबर मिली कि यह लोग प्रतिबंधित संगठन NACN के आंग योंग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मौन जिले की सीमाएं म्यांमार से जुड़ी हुई हैं। उग्रवादी संगठन NACN यहीं से ऑपरेट होता है। फिर इन सबों को देखकर वहां के लोगों का गुस्सा बढ़ गया और वह लोग बेकाबू हो गए। पहले तो इन्हें समझ नहीं आया कि यहां क्या हुआ है, पर बाद में जब इन्हें पता चला कि सुरक्षा बलों ने यहां फायरिंग की थी, फिर उसके बाद यह बात पूरे ज़िले में फैल गई और लोग गुस्से में आग बबूला हो गए और सुरक्षा बलों पर हमला करने लगे और उनकी गाड़ी को भी जला दिया गया। अचानक यह सब बढ़ता चला गया और उग्र भीड़ शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। बस इसी के बचाव में सेना ने दोबारा फायरिंग शुरू की, जिसमें कुछ और लोगों की जान चली गई और एक जवान की भी मौत हो गई। सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित के शर्मा ने कहा कि सेना को उग्रवादियों की गतिविधियों की पुख्ता जानकारी प्राप्त हुई थी। उसके बाद सेना के द्वारा तिरु और ओटिंग में ऑपरेशन प्लान किया गया। बस इसी की वजह से यह घटना हुई और इस घटना का उन्हें काफ़ी दुख भी है। परिवहन मंत्री पाइंग वांग कोइनाक के अनुसार बचे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और उन लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेपियो डियू ने इस घटना को SIT के हवाले कर दिया है। SIT एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है। CM ने कहा कि SIT इसकी पूरी जांच करेगी और फिर उसके बाद दोषियों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, और मुख्यमंत्री ने घटना में मारे गए लोगों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजा भी दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि मौन जिले के ओटिंग में होने वाली घटना पर मैं दुखी हूँ, मृतकों को घर वालों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और राज्य सरकार द्वारा एक हाई लेवल SIT इस घटना की जांच करेगी और मृतकों के घर वालों को न्याय मिलेगा। इसके बाद 6 दिसंबर सोमवार को अमित शाह ने संसद में नियम 377 के तहत साफ शब्दों में कहा कि सरकार को इस घटना पर दुख है और सेना को कहा ऐसा घटना दोबारा ना हो। इसके बाद नागालैंड के मौन जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया में काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोस भी वायरल हो गए हैं। नागालैंड के लोगों ने AFSPA हटाने की बात करने लगे। वहां कॉलेज के छात्र और कई संगठनों ने वहां के राज्य से इसे हटाने की मांग की।
आपको बता दें कि AFSPA एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावरफुल एक्ट है। यह नागालैंड में कई दशकों से लागू है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सन 1958 में संसद में इस कानून को लागू किया गया था। इस कानून के तहत जवानों को कानून तोड़ने वाले व्यक्ति पर गोली चलाने का अधिकार दिया गया। यह कानून असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में लागू किया गया। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।